मैं इस वक्त मौजूद हूँ शानूर मियाँ दरगाह रोड। ये कमान जो है 400 साल पुरानी कमान है और ये गड्ढे की वजह से ये कमान जो है गिरने का डर है। दरगाह कमेटी के कुछ जिम्मेदार हजरात हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या हुआ साहब यहाँ पर? ये जो बारिश आती है ना साहब, तो बारिश का पानी यहाँ पर जाने के लिए जगह नहीं है। नई जगह होने की वजह से जमीन में मर मर के पूरा पानी रोड गिरा दिया, गड्ढा कर दिया। गड्ढे की वजह से कुछ नुकसान है क्या? बारिश की वजह से कमान को खतरा है इसकी वजह से। अच्छा, कमान खतरे में है, कमान गिरने का डर है इसमें, और मासूम बच्चे बच्चे जाते हैं इसमें, बच्चे का भी गिरने का डर है। फिरोज भाई, ये जो आज गड्ढा हो गया है तो उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जिस टाइम ये ब्रिज का काम चल रहा था ना, लापरवाही की वजह से ये काम हुआ। अब देखो, अब ये पूरा मटेरियल जो है पूरा नाले में बह के चल जा रहा, और इससे इस कमान को बहुत खतरनाक रहा। दूसरी बात कह सकता, ये ज़ायरीन है, अगर कोई खवातीन वगैरह, कोई बच्चे वगैरह अगर आ सकते हैं तो इस गड्ढे में गिरने का उनको खतरा है, और बाजू में नाला है। तो मेरा ये बोलना है कि इससे पहले उन्होंने जो काम किया है, आगे भी देखेंगे ना आप, तो टोटल पानी ब्रिज का जो उतर के पूरा कब्रिस्तान में जा रहा है। ये बच्चे ब्रिज वालों की नाकामी है, जिसकी वजह से हमको ये अंजाम भुगतना पड़ रहा है, इसका अंजाम ये चाहिए बस। तो अभी आपका जो स्टेप रहेगा क्या रहेगा? स्टेप ये है कि भाई जल्द से जल्द ये काम हो जाना। हमारे साथ दरगाह कमेटी के सदर भी है जावेद भाई। MSRTC ने ब्रिज का काम किए थे, और हमने उनको जब भी बताए थे कि भाई ब्रिज का काम जो कर रहे हैं आप, ये जहाँ जहाँ पानी जमा हो रहा था, अब ये सही ढंग से इसको एक लाइन से लगाए, लेकिन सही काम उन्होंने करे नहीं, और लापरवाही में ये सभी काम खराब हो रहे। हमारी जो कमान है दरगाह के, ऐतिहासिक कमान है, और ये कमान कभी गिरती है तो जिसने भी ब्रिज का काम किया तो उसका जिम्मेदार वे रहेंगे। हमसे ये गुजारिश है कि भाई जल्द से जल्द इसका काम करे, और कोई बड़ा हादसा घटता है या कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार जिन्हें भी ब्रिज का काम करा, कोई भी कंपनी है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर, उसकी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द काम करे, उसका जिम्मेदार वो रहेंगे। और हम अभी इसकी कंप्लेन भी कर दे रहे हैं। अभी बोलना मतलब उन्होंने क्या कहा, ढलान पूरा बताओ, उसमें ढलान उन्होंने जो है ना पूरा इसका इधर ले लिया उन्होंने। हाँ, ऐसा लगता है जो ब्रिज वाले जो छोटे ना पाइप आई है, ये पानी के बरसात के बाद लोग दरगाह तक छोड़ दिए, तो अपने को ये पाइप बंद करना पड़ेगा। और ये ब्रिज वालों की गलती है, उस टाइम ने हमने ब्रिज का जो कॉन्ट्रेक्टर था उसको बोले थे कि भाई देखो तुम ये ब्रिज का पानी हमारे दरगाह तक मत छोड़ो। उन्होंने क्या करा, पूरा पानी कब्रिस्तान में और दरगाह तक छोड़ दिए, जाहिर इनको उसको हर किसी को परेशानी हो रही। और सबसे बड़ी बात है कमान है, तो ये दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी फिरोज खान और दरगाह कमेटी के सदर जावेद खान दोनों मौजूद थे, और उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि इसके वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये गड्ढे में अगर कोई बच्चा वगैरह गिर गया बारिश के अंदर तो उसका पता भी नहीं चल सकता, और ये काम उनकी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हो। अब्दुल वाहिद फारूकी, वाहिद कलाम, औरंगाबाद।